ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें। नंबर वन, रोजाना केवल सेंधा नमक प्रयोग करें। सेंधा नमक खाने से थायराइड, बीपी और पेट ठीक रहते हैं। नंबर दो, रोजाना स्टील के कुकर ही प्रयोग करें। एल्यूमिनियम में मिले हुए लेड से होने वाले नुकसानों से बचेंगे। नंबर तीन, आप रिफाइंड तेल के बजाय केवल तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल का तेल प्रयोग करें। रिफाइंड में बहुत केमिकल होते हैं जो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। नंबर चार, काम करते समय स्वयं को अच्छा लगने वाला संगीत चलाएं। खाने में भी अच्छा प्रभाव आएगा और थकान भी कम होगी। नंबर पाँच, देसी गाय के घी का प्रयोग करें। इससे अनेक रोग दूर होंगे और वजन नहीं बढ़ेगा। नंबर छः, ज़्यादा से ज़्यादा मीठी नीम, करी पत्ती अपने सब्जियों में डालें। सभी का स्वास्थ्य ठीक करेगा और कई तरह की बीमारियों से भी बचेंगे। नंबर सात, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। इससे आयरन की कमी किसी को नहीं होगी। नंबर आठ, नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें। इससे पोषक विटामिन और फाइबर मिलेंगे। नंबर नौ, आप सुबह के खाने के साथ देसी गाय के दूध का बना ताज़ा दही लें। इससे पेट ठीक रहेगा। नंबर दस, सुबह खाली पेट चने की भीगी हुई दाल में शहद मिलाकर खाने से व्यक्ति की अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है और वह हमेशा जवान नजर आता है। नंबर 11, सुबह देर से उठने से दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है और शरीर आलसी बन जाता है। नंबर 12, रसोई में घुसते ही नाक में घी या सरसों का तेल लगाएं। ऐसा करने से सिर और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। नंबर 13, करेला, मेथी और मूली यानी कड़वी सब्जियां भी खाएं। रक्त शुद्ध रहेगा। नंबर 14, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम की चीजें रसोई से हटाएं। दोनों कैंसर के बड़े कारक हैं। नंबर 15, रात का भिगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबाकर वही पानी पिए, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। नंबर 16, अगर आप मसूर की दाल का नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी और साथ ही यह मानव शरीर की कमजोरी को दूर करता है। नंबर 17, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो वह कभी भी लस्सी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि लस्सी पीने से एलर्जी और बढ़ जाती है। नंबर 18, आधा चम्मच हल्दी और आधे चम्मच नमक को मिलाकर ठंडे पानी से फाकी मार लें। पेट दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 19, एक गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस डालकर पिएं। सिर दर्द दूर हो जाएगा। साथ ही यूकेलिप्टस के तेल से सिर की मसाज करें। इससे सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 20, कभी भी खाली पेट दूध वाली चाय ना पिएं। ऐसा करने से शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है। नंबर 21, खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा सा मीठा और सौंफ के दाने जरूर खाएं। नंबर 22, कभी भी खड़े खड़े खाना ना खाएं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा करना अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। खाना हमेशा बैठकर खाएं। नंबर 23, कभी भी छाछ पीने या दही खाने के तुरंत बाद दूध ना पिएं। इन चीज़ों के इस्तेमाल के बीच कम से कम एक घंटे का समय जरूर दें। नंबर 24, रात को हमेशा जल्दी सोने की आदत डालें। ज़्यादा देर टीवी से ना चिपके रहें। रात को सोने का अपना एक निश्चित समय बनाएं। नंबर 25, ज़्यादा टेंशन लेने से खून गाढ़ा हो जाता है जिससे खून के थक्के बनते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक आ जाता है। नंबर 26, अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज के रस मिक्स करके खा लिया करें। नंबर 27, अगर खाना बनाते समय हाथ जल जाए तो उस पर अंडे की सफेद लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। नंबर 28, अगर खाना बनाते वक्त आँखों में मिर्ची चली जाए तो जुबान पर थोड़ा सा नमक रख लें। इससे मिर्ची का असर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।